Welcome back to my channel Umul Banin. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, go below and do subscribe and also press the bell icon to never miss an update from me. So I'll be very thankful to you all. So now we will start our video. अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो का मतलब जो थीम है, जो कंटेंट है, मैं वो आपको समझाना चाहूँगी. पिछले साल भी जो ईद उल अज़हा का मौका था, तो मैंने आप सबके लिए अपना ईद शॉपिंग जो किया था वो मैंने आप सबको एक वीडियो में दिखाया था. तो इस साल भी मेरा यही मकसद था कि मैं आप सबको अपनी छोटी ईद की शॉपिंग दिखाऊँ. और हमने ये शॉपिंग जो किया है वो मुख्तलिफ़ जगहों से किया. हमने ऑनलाइन शॉपिंग भी किया है, हम मतलब मुख्तलिफ मॉल्स में गए, डिफरेंट मॉल्स में गए, हमने वहाँ से भी कुछ चीज़ें खरीदे, घर पर पसंद आए. इसके अलावा हम जन्नत गली जो हमारे ख़ुद के मरियाबाद में है, हमने वहाँ से भी कुछ ख़रीदा है. तो ये सब मैंने और माहीन ने, हम आप ही मेरे दो आप ही भी हम सब साथ गए और हमने कुछ चॉइस करके चूज़ करके हम सब ने ख़रीद लिया. और मतलब ये मुख्तलिफ दिनों में हम गए, एक दिन में तो ये सब नहीं ख़रीदा होगा हमने ऑब्वियसली. तो अभी मैं आप लोगों से भी यही पूछना चाहूँगी, आप लोगों का ईद शॉपिंग मुकम्मल है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. तो अभी सबसे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे. तो मैं अपनी सबसे छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने एसेसरीज वगैरह जो ख़रीदी है वो मैं आप सबको दिखाऊँगी. तो सबसे पहले ये जो 7 मुख्तलिफ दिनों में पहनने वाले जो झुमके नहीं सॉरी टॉप्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी. इसमें दिन भी लिख के मंडे चिल्ड्रेंस थर्सडे फ्राइडे, बहुत क्यूट है. और ये मछली का है, मुझे वैसे भी सब चीज़ें पसंद नहीं है. तो ये हमने माहिन के लिए ख़रीदा है, खुद उसके टॉप्स एयरिंग्स ईद के लिए. तो सबसे पहले जो हमने ख़रीदा जो क्यूट मुझे लगा ये है. और उसके बाद हमने कुछ रबर बैंड्स ख़रीदे हैं, कुछ नहीं 5-6 खरीद. और ये 4 ये है, ये बहुत क्यूट कैट फर्स में है और मुझे ये मुख्तलिफ कलर्स में बहुत अच्छा लगा था, मैंने सारा उठा लिया. और एक ये मुख्तलिफ डिफरेंट है, मैंने ये वाला भी ख़रीद लिया. तो ये हमने ख़रीदा है वहाँ से, ईद के लिए नहीं ख़रीदा, वैसे ही दिन में जब कपड़े चेंज होते हैं, मतलब अगर ग्रे कलर हो तो उसके साथ ग्रे, लड़कियों का मैचिंग मतलब चलता रहता है ना, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया. और इसके अलावा मैंने ख़रीदा है चूड़ी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी. हमने मॉल से ख़रीदा है ये आई लैशेस, ये 3 पेयर्स में आता है, एक छोटा है, दूसरा मिडल में और तीसरा सबसे बड़ा है. उसके साथ ये जो इसका लिक्विड है आंखों के पीछे जो लगाया जाता है, इसके साथ जिसको ये चिपकाया जाता है गोंद, तो ये वो है. और ये मतलब बहुत क्यूट है, ये नेचुरली लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने ईद से पहले एक बार लगा दिया कि मेरी आंखों में ये बैठ सकता है या नहीं, क्योंकि मेरी आंखें तो छोटी है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट है आंखों के लिए. मतलब ये जितना मेरे लैशेस हैं वो उतने ही इसकी लेंथ और इसकी साइज़ है. और ये बिल्कुल फेक नहीं लगता, बिल्कुल इस तरह मतलब ये लगता है कि मेरे खुद की लैशेस भी पड़ी है, लेकिन क्या करें, शौक है. तो ये मैंने ख़रीदा है. और इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग से जो हमने की है वो ये प्यारे क्यूट क्यूट से 3 नेल पॉलिश, ये मुख्तलिफ डिफरेंट कलर में है, एक ग्लिटर में है, दूसरा वैसे मैच में आता है, और ये दोनों मैच में है, और ये पर्पल और ये दूसरा ग्लिटर, ये तीनों बहुत क्यूट है. और ये ऑनलाइन से लिया है मैंने. और इसके अलावा एक मेबेलिन का न्यूयॉर्क मेबेलिन का हमने मस्कारा लिया हुआ है, ये वाटरप्रूफ है. और ये मतलब इसकी जो ये वाटरप्रूफ है, दूसरा जब हम मतलब आँख को साफ करते हैं तो ये फैलता नहीं है ज़्यादा और लैशेस को भी बड़ा करता है, मतलब लेंस में ये बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये पसंद है. और इसके अलावा एक क्यूट सा पर्स, ये बहुत ही क्यूट, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है. मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, मतलब मैं पर्सनली कहना चाहूँगी जिन जो लोग मतलब जॉब करते हैं या जिनका मतलब खुद के पैसे से कमाते हैं तो ये ज़रूर ख़रीदें और इसमें अपने पैसे. और इसके अलावा मेरे पास 2 इस तरह के हेयर रिंग्स और 2 मैंने अभी रिसेंटली पहना हुआ है,
ये दोनों ईद के लिए अब मैंने नेवे से खरीद लिया। और लास्ट में जो मेरी एक्सेसरीज में बचा है वो है चूड़ियाँ, लड़कियों की फेवरेट, जो कि मेरी नहीं है लेकिन मैं ईद के लिए पहन रही हूँ। और ये दो कलर्स में, एक है पर्पल में और दूसरा स्किन कलर में है। और मुझे इसकी जो वो ये वेलवेट में है, मतलब जो इसका है जो भी है ये वेलवेट में है। और मुझे इसका कलर, मतलब ये मेरे ड्रेस से मैचिंग करता है, इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया ईद के लिए। तो मैं ज़रूर पहनूंगी और ईद में भी आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी हमारा हो गया ख़त्म, पहली जो मेरी एक्सेसरीज थी सब ख़त्म हो गया है। तो जो मेरा फर्स्ट चीज़ एक्सेसरीज का था वो ख़त्म हो गया है। अभी बारी है लोगों की गिफ्टों की। ये मैंने अपने आप ही के लिए, दोनों आप ही के लिए ईद ख़रीदा है। इन्हें ये पट्टू, हम पट्टू कहते हैं, ये शॉल है, चादर मतलब दुपट्टा, हम उन्हें पसंद है इस कलर में। मुझे इनकी जो चॉइस है वो मुझे पता है और उनको अभी तक नहीं पता कि मैंने उनके लिए ईद ख़रीदी। उन्हें लगता है कि मैंने अपने लिए ख़रीदी, और वो लोग बहुत शौक में है कि मैं कब से ये बड़े बड़े दुपट्टे पहनने शुरू हो गई हूँ। तो अभी मैं सिर्फ आपको दिखाऊँगी। ये बड़ी आपी के लिए है, उसे मेहरून कलर बहुत पसंद है, और जो इसका प्रिंट छोटा छोटा है वो भी बहुत पसंद है उससे। तो ये बड़ी आपी के लिए। और ये मेरी दूसरी आपी के लिए है, ब्राउन कलर उस पर बहुत जचता है, मैंने देखा है मतलब। और इसकी प्रिंट जो है बहुत प्यारी है, तो मैंने ये वाला ख़रीदा दूसरी आपी के लिए। और ये भी दूसरी आपी के लिए ही है, मतलब इसकी कलर बहुत अच्छी है, और दूसरे उसका जो काम है उस पर ये बहुत अच्छा है। तो ये लोगों की गिफ्ट ख़त्म हो गए हैं, अब मैं आती हूँ अपने ख़ुद के शॉपिंग पे। तो मेरी जो शॉपिंग है, पहले सबसे मैंने मरियाबाद से ख़रीदा, जनरल गली से, फातिमा शॉप वहाँ पर है, सबको पता है। तो सबसे पहले मेरी पहली ईद का पहले ईद का जोड़ा, माय फेवरेट, और ये आप ही की चॉइस है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सिंपल डिसेंट कलर में, एंड बहुत ही प्यारा प्यारा प्यारा। तो ये मैंने अपने पहले ईद के लिए ख़रीदा है, और इसके मैचिंग के लिए इसका मतलब जो शलवार है वो गोल्डन में है, और इसका दुपट्टा जो है मैंने पर्पल ग्रे में ख़रीदा है, इसके साथ बहुत मैचिंग कर रहा है। और जैसे आप सबको पता है मुझे स्कार्फ पहनना अच्छा लगता है, उसके लिए इसके साथ मैंने सेकेंड ईद के लिए जो मैंने ख़रीदा है वो कुछ इस तरह कलर में है, कि ये कलर है स्किन कलर, ये कलर है स्किन कलर, और ये भी बिल्कुल सिंपल डिसेंट सा कलर, इसकी स्टाइल, इसका इस पर जो काम हुआ है सब डिसेंट है। और मुझे ऐसे इस तरह के कपड़े पसंद है। ये शर्ट पीस में था तो मैंने इसके लिए ट्राउज़र ख़रीदा जो कि वाइट में है, इसके साथ वाइट पहनकर ये बिल्कुल रोशन सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने वाइट ख़रीदा है इसके साथ। और इसका जो हिजाब है मैंने इसी तरह का स्किन कलर लिया हुआ है, और इसके साथ हिजाब मैंने स्किन कलर का लिया हुआ है। और जो चूड़ियाँ मैंने दिखाई थी, एक पर्पल का था वो पहले के लिए था, और जो इस तरह का स्किन है वो मैंने दूसरे के लिए ख़रीदा है। और इसके साथ जो मैंने ख़रीदा है जूतियाँ, और ये भी हमने जनरली से लिया है, शायद मेरे पहले वीडियो में आया होगा, जिन्होंने देखा है। और नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख। तो ये है सेकेंड ईद के लिए मेरे दूसरे ड्रेस के साथ स्किन कलर में, और ये जो प्यारा सा पिंक है ये है मेरे पहले ईद के लिए पर्पल ड्रेस के साथ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। अभी इनकी बारी ख़त्म हो गई है। ओ, एक और जो चीज़ है मेरी प्यारी सी बैग, क्यूट सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बैग, ये मैंने वैसे ही ख़रीदा है, ये किसी तरह मैचिंग नहीं किया है, मैंने अच्छा लगा, क्यूट लगा है, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सा है, तो ये मेरा है। और मेरी जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है, ये भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से लिया हुआ है। लोग कहते हैं ऑनलाइन में चीज़ें अच्छी नहीं आती, लेकिन नहीं, वैसे आती जैसे आप ऑर्डर करते हैं। ये मैंने लिया है शूज़ एंडियोर से ऑनलाइन शॉपिंग करके, थोड़ा सा छोटा सा हील है इसमें। तो और मेरी जो
शॉपिंग ईद की थी वो इतना ही था, खत्म हो गया। अभी बारी है माहिन के शॉपिंग की। तो हम गए थे मॉल बिरोरी में, जो दाऊद मॉल है हजारा टाउन में। तो माहिन के लिए हमने ये वाला ड्रेस चूज किया है। कलर इसका अच्छा है, डिसेंट है, और मतलब टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। उसके साथ व्हाइट ट्राउजर या व्हाइट जींस पहन सकते हैं। तो अभी तक नहीं खरीदा है, व्हाइट ट्राउजर खरीदेंगे। इनके दूसरे ड्रेस की बारी है, ये भी फ्रॉक है, बहुत क्यूट सा डिसेंट सिंपल जो चूज किया है इसको माहिन ने अपने लिए। तो उसने सबसे पहले हमें शॉपिंग के लिए जाते वक्त उसने बता दिया था कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो खुद उसने चूज किया। और क्या कहे भाई, और उसके साथ जो ये जूती उसने लिया है ना, वाह भाई, ये ब्लैक कलर का जूती उसने लिया है। और लास्ट चीज जो माहिन का रह गया है, माहिन के लिए भी हमने एक ऑर्डर किया है, वो है ब्लैक कलर में एक स्लीपर। और ये भी ईद के लिए ही लिया है, इसके साथ अच्छा लगेगा। तो माहिन का भी हो गया ख़त्म। तो अभी हो गया मेरा सारा का सारा शॉपिंग ख़त्म। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सब एंटरटेन हुए होंगे। मतलब मैं बहुत थक गई हूँ बोल बोल के और ये सारी चीज़ें दिखा के। तो मुझे खुशी होगी अगर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बता देंगे कि आप लोगों ने शॉपिंग कर लिया या नहीं है, नहीं की है। तो इसी तरह मेरे कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन ये भी पता है कि कोई इसे देखता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं और जो लोग नहीं देखते वो लोग भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ, जरा देखो ना। और आई नो, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ख्याल रख के। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू है वो जरूर 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 सब्सक्राइब करें, और जो साथ में बेल आइकन है वो दबाए, ताकि मेरे जो न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस है, कंटेंट है और इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।